आप बना रहे हैं तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। एप्सिलॉन डेल्टा या डेफिनेशन हम 11th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और वो हमें ग्रेजुएशन PhD MSc तक भी समझ में नहीं आती, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इन ए वेरी सिंपल वे, ओके। सो जिन बच्चों ने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लें, लेक्चर 1-2 स्पेशली, वो लिमिट के जो लेक्चर 1 और 2 हैं वो देख लें, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं, देखिए मैं आपकी एलसी में समझाती हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड इट इज ओरिजिन एंड आई एम टेकिंग अ सिंपल फंक्शन स्ट्रेट लाइन। लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट से और राइट से जब हम x a को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, फंक्शन y = fx फंक्शन है ऑन y x, ठीक है। तो as x अप्रोचिंग टू a तो फंक्शन राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। किसी भी फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और राइट हैंड लिमिट RHL दोनों इक्वल आती है, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और सब जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका होता है x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव एप्साइलन, राइट। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, तो एल के नीचे वाला है, दिस इज एल माइनस एप्साइलन दिस वन एंड दिस वन इज एल प्लस एप्साइलन। अब देखो ये एप्साइलन जो हमने ऊपर और नीचे जो डिस्टेंस लिए इसके करस्पॉन्डिंग हमेशा हमें यहाँ पे डोमेन में एक इंटरवल मिलेगा। ये एक इंटरवल ही बन गया ना, एल माइनस एप्साइलन से लेके एल प्लस एप्साइलन, दिस इज एन इंटरवल। Thank you.
थीटा ग्रेटर देन जीरो, कैसे सच दैट, कैसे सच दैट क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच कर रहा है एफ एक्स का एल, मतलब एफ एक्स और उसकी लिमिट की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, तभी तो वो एल को पहुंचेगा ना। एफ एक्स गोइंग क्लोज टू एल, एफ एक्स अपनी लिमिट को अप्रोच कर रहा है, अपनी लिमिट के पास जाना चाह रहा है, राइट। तो वो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एक्स इज डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, कब, व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस डेल्टा नहीं है, यही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है जो हम बोल रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है वो अप्लाइड तरीके से किया। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन आते हैं, दिस इज द प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इसके बेस्ड एग्जांपल्स हमें करने हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे जैम आई टी जैम के एग्जाम में उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ask you how to prove a function having limit at particular point using epsilon delta definition. तो हमें epsilon delta definition से भी question करने आने चाहिए, right? तो मुझे लगता है इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको। इस इन तरीकों को दूसरे तरीके से लिखते हैं इस बात को, वो मुझे आता ही होगा आपको। कैसे, जब भी mod में होता है ये वाली चीज़, डेफिनेशन समझ में आ गई है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क मी बाय कमेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज आई विल टेक योर डाउट देयर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको कॉन्टिन्यूसली अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, अभी तो हमारा लिमिट चल रहा है, फिर मैं ग्राफ पढ़ाऊँगी, तो सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।